अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा देने वाला हूं कि व्हाट्सएप वाले अगर आपके नंबर को बैन कर दे तो आपने किस तरह से इसको अनबैन करवा देना है। फ्रेंड्स, यहां पर जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि मेरे पास एक नंबर है, उसको व्हाट्सएप ने बैन कर दिया है। अब किस तरह से मैं इसको अनबैन करवा देता हूँ, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपने यहाँ इस जगह से आपने स्क्रीन शॉट लेनी है, ठीक है। फ्रेंड्स, स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपने सिंपल सा यहाँ पर आपको सपोर्ट का बटन दिखाई दे रहा है, आपने इस सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, आप तो करो ना प्लीज़। चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अभी आप आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद आपने सिंपल सा यहाँ के प्लस के बटन पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और जो स्क्रीन शॉट आपने लिया है, आपने उन स्क्रीन शॉट को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है अपनी गैलरी से, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं अपने स्क्रीन शॉट को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्क्रीन शॉट सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने डिस्क्राइब यूर प्रॉब्लम में आप लोगों को क्या लिखना है, उसकी लिखाई आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपने वहाँ से कॉपी कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल सा यहाँ नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके पास को थोड़ा ये लोडिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे वाली ये ग्रीन जो आपको दिख रहा है, इस यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए, मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ गए, एक जीमेल का और एक कंपोज का, ठीक है। आपने सिंपल सा जीमेल के बटन पर क्लिक कर देना है। तो फिर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने जीमेल पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपने सिंपल सा ये ब्लू कलर आपने सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा मैसेज सेंड हो चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी कुछ ही टाइम में, कुछ ही घंटों में आप लोग व्हाट्सएप की तरफ से मेल आ जाएगा कि आपका नंबर अनबैन करवा दिया गया है, आप अपने व्हाट्सएप नंबर को दोबारा वेरीफाई कीजिए। तो इसी तरह से आप अगर फिर भी ना हुआ आपका व्हाट्सएप नंबर बैन, तो आपने दोबारा से यही प्रोसेस कर देनी है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने व्हाट्सएप नंबर को अनबैन करवा सकते हो। होप ये वीडियो आपके हेल्पफुल होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए मिलती रहे इस तरह ज़बरदस्त वीडियोज़।